राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके सामने जो है एक गुड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या हम लोग डीएलएड जो कर रहे हैं वह दुर्भाग्य है या डीएलएड करना हमारे लिए उचित नहीं है? हम लोग कई दिनों से जो है एक ही टॉपिक पे जो है बात कर रहे थे कि डीएलएड में एडमिशन हमारा होगा कि नहीं होगा। तो साफ तौर पर जो है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जिस बच्चे का जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनका एडमिशन होगा, और जिनका जो है लिस्ट में नाम नहीं आया हो उनका एडमिशन नहीं होगा। यह फाइनल तौर पे है कि डीएलएड करना हमारा क्या है दुर्भाग्य है। अगर हम बीए बीएससी कर लिए होते तो शायद बीएड करके कब तक जो है हम एडमिशन ले लिए होते और फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी अब हम दे दिए होते, लेकिन यह दुर्भाग्य है और प्राइवेट कॉलेज का जो है मनमाना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले जो है अपना कॉलेज खोलकर बच्चे से अधिक पैसा जो है वसूली कर रहे हैं। अब जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वह कैसे जो है डीएल कर पाएंगे? यहाँ जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग जो है प्राइवेट कॉलेज में अभी जो है नॉर्मल फीस जो है लिया जा रहा है कितना, तो 1,20,000 रुपया तो इसका ओरिजिनल जो है फी है या जो है बीएसबी द्वारा जो है यह जारी किया गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है कल बच्चे ने कॉल किया था मुझे और बताया कि सर 1,80,000 रुपये जो है हमने दिया है एडमिशन के लिए। अब बताइए कि 60,000 रुपये जो है सबसे अधिक 60,000 रुपये जो है एक डीएलएड करने में लगा है। तो बताइए कि आप डीएलएड करना चाहते हैं? तो अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि इस साल कम से कम आप रुक जाइए, इस साल आप एडमिशन मत दीजिए, क्योंकि 60,000 अधिक पैसा देकर जो है एडमिशन मत लीजिए। 2025 एंट्रेंस एग्जाम जो है होने वाला है, ठीक है, उसमें आप एग्जाम दीजिए और बेहतर नंबर लाइए ताकि जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। किसमें मिले? आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, और गवर्नमेंट कॉलेज का फी जो है कितना है आप सभी लोग जानते होंगे कि 26,000 रुपये। 26,000 रुपये में जो है आप 2 साल जो है कोर्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1,20,000 रुपये लगेगा, लेकिन 1,80,000 देने की कोई भी उचित नहीं हो रही है। इस साल अगर आप रुक जाते हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अगले साल आप एडमिशन ले लीजिएगा, लेकिन 1,80,000 देकर जो है आप एडमिशन मत लीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़िएगा तो फायदा यह होगा कि स्पॉट 2 राउंड आएगा, अगर छोड़ दीजिएगा तो स्पॉट 2 आएगा, अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर जो है मनमानी करेंगे कॉलेज और आपसे जो है पैसा अधिक लेंगे और आप एडमिशन अधिक पैसा देकर जो है करेंगे। तो कोई जरूरत नहीं है अधिक पैसा देकर जो है एडमिशन लेना। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक पैसा बिल्कुल ही ना दे, 2025 एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर पास आउट होइए और फिर से जो है एडमिशन लीजिए, लेकिन अभी आप अधिक पैसा देकर जो है एडमिशन मत लीजिए। मेरा बात आप मानिए, क्योंकि 60,000, 70,000, 80,000 रुपये बहुत अधिक होता है, तो वह पैसा आप वेस्ट न करें। धन्यवाद।